नमस्ते सबको और स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे ट्रिपल चॉकलेट पैनकेक। जैसे कि नाम में है, इस व्यंजन में है बहुत सारी चॉकलेट और ये सबको पसंद आएगा, खास करके बच्चों के लिए क्योंकि उनको पैनकेक्स अच्छे लगते हैं और चॉकलेट डाल के इसमें और भी अच्छा हो जाएगा। ये होममेड रेसिपी में बहुत ही कम सामग्री और बहुत ही अच्छा स्वाद और अच्छी सी फ्लेवर। आइए शुरू करते हैं। बनाने के लिए ट्रिपल चॉकलेट पैनकेक हम लेंगे 1 कप छाछ, 2 चम्मच पिघलाया हुआ मक्खन, 3 चम्मच पिसी हुई शक्कर, 1 कप भर के मैदा, 1 बड़ा अंडा, 1 चम्मच वेनिला एसेंस, 1 कप भर के मध्यम मीठे चॉकलेट चिप्स, 1/4 डार्क कोको पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। और चॉकलेट सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप भर के मध्यम मीठे चॉकलेट चिप्स और 1 कप भर के कंडेंस मिल्क। 2 बोल तैयार रखिए, एक सूखी सामग्री के लिए, एक गीली सामग्री के लिए, और अच्छा होगा इनको अलग ही रखें। तो गीली सामग्री के लिए सबसे पहले लेंगे छाछ, अंडा, वेनिला एसेंस, मक्खन और शक्कर। इन सब को फेंट लेंगे मिला करके अच्छे से, या तो फिर आप इसे पीस भी सकते हैं अगर आपके पास ब्लेंडर है तो। कोई गट्ठे नहीं रह जाने चाहिए, अच्छे से फेंट लें। आपकी गीली सामग्री बाजू पे रख दीजिए, अब आपने इन्हें फेंट लिया है, इसलिए लेंगे सारी सूखी सामग्री दूसरे बोल में। लेंगे मैदा, कोको पाउडर, सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चॉकलेट चिप्स। अच्छे से मिला लेंगे सब कुछ और धीरे से ये सूखी सामग्री गीली सामग्री में डालते जाएंगे और साथ में मिलाते भी जाएंगे। अच्छे से मिलाएंगे और धीरे से थोड़ा थोड़ा डाल के और साथ में फेंटेंगे, फेंटते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से घुल ना जाए। डालते जाएंगे सूखी सामग्री अच्छे से घोलते जाएंगे इसे। अब हमारा पैनकेक मिश्रण तैयार है, बैटर तैयार है। आप तैयार कर सकते हैं चॉकलेट सिरप को पिघलाकर चॉकलेट चिप्स को माइक्रोवेव में, या तो फिर डबल ब्रॉयलर तरीका अपनाकर पैन में भी बना सकते हैं। तो मिलाइए पिघलाई हुई चॉकलेट कंडेंस मिल्क के साथ और हमारी चॉकलेट सिरप तैयार होगी। चॉकलेट सिरप के लिए मैंने चॉकलेट चिप्स को पिघलाया है माइक्रोवेव में और फिर डालूंगी इसमें कंडेंस मिल्क। यह मीठा कंडेंस्ड मिल्क जो मैं इस्तेमाल कर रही हूं। अच्छे से मिलाऊंगी। आप इसे सर्व कर सकते हैं टॉपिंग के तरीके से पैनकेक्स के ऊपर। हमारा चॉकलेट सिरप अब तैयार है। आइए शुरुआत करते हैं पैनकेक बनाने की। लेंगे एक फ्राइंग पैन, रखेंगे इसे मध्यम गैस पे और उसे गरम कर लेंगे। चेक करेंगे बैटर की कंसिस्टेंसी, ऐसे होनी चाहिए। एक बार पैन गरम हो जाए हम डालेंगे इसमें बैटर। जब तक कि बाहरी सतह क्रिस्प हो जाए, छोटे छोटे बबल्स फूटने लगेंगे, तो रुकिए जब तक कि ये हो जाए। आप देख रहे हैं बबल्स बाहर आ रहे हैं,
बीच में से और बाहरी सतह क्रिस्प होना चालू हो जाती है। दोनों तरफ पकाइए लगभग एक मिनट से ज्यादा ताकि दोनों तरफ पक जाए। आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन पैनकेक। पलटेंगे इसे और पकाएंगे एक मिनट तक। हमारे चॉकलेट पैनकेक सब तैयार हैं। हमारे पास है चॉकलेट सॉस जिसे हम स्प्रेड कर सकते हैं ऐसे पैनकेक्स के ऊपर। बनाइए स्वादिष्ट पैनकेक्स अच्छे से सुबह के नाश्ते के लिए।